सो गाइस आईपीएल 2020 का बरहवा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला गया था, और इस मुकाबले में एक वाक्य ऐसा घटा था जहां पे हम बोल सकते हैं कि जयदेव उनादकट के साथ चीटिंग हुई थी, क्योंकि ये जो ओवर था वो था 17.6 और यहाँ पे कुलदीप यादव गेंदबाजी कर रहे थे। जयदेव उनादकट को लेग साइड में बॉल फेंका था, जयदेव उनादकट ने जोर से बॉल को घुमाया, बल्ला चलाया और सीधा बॉल गई कमलेश नागरकोटी के हाथ में। उसके बाद अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। लेकिन गाइस उसके बाद हुआ कुछ ऐसा, क्योंकि जब हम बात करें जयदेव उनादकट की तो जयदेव उनादकट कुछ आर्ग्यू करते हुए नजर आ रहे थे अंपायर के साथ, और वो जो बात थी वो ये था कि जब जयदेव उनादकट ने उठाकर शॉट खेला था तो स्पाइडर कैमरा यानी स्पाइडर कैम जो आता है, जो कि कैमरा रहता है, उससे जाके उसके वायर पे जाके बॉल टकराई थी। और उसके बाद जयदेव उनादकट ने अंपायर को बताया कि ये जो बॉल थी वो सीधा जो कि कमलेश नागरकोटी के हाथ में नहीं गई है, पहले स्पाइडर कैम के वायर से टकराई है, और उसके लिए अंपायर ने सीधा थर्ड अंपायर का रुख किया। और वहां पे अगर हम बात करें थर्ड अंपायर ने पूरी तरीके से तहकीकात की, और उस समय जो कमेंट्री कर रहे थे वो इरफान पठान कर रहे थे, और इरफान पठान ने साफ साफ ये कहा कि ये जो बॉल थी वो वायर पे छुई थी, और हम सब ने देखा था कि ये बॉल वायर को छू के गई थी। लेकिन गाइस तब हम लोगों को पता चला था कि ये हो सकता है कि ये जो बॉल है वो डेड बॉल हो सकता है, क्योंकि ऐसा जब वाक्य ऑस्ट्रेलियन जब मैच होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के मुकाबलों में जब ऐसा वाक्य घटता है तो उस बॉल को डेड बॉल करार दिया जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पे जब अंपायर थर्ड अंपायर का जब डिसीजन आया तो सब पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे, क्योंकि थर्ड अंपायर ने इसे आउट करार कर दिया था। हाँ गाइस इसे इस बॉल को जो कि डेड बॉल होनी चाहिए उसे अंपायर ने आउट करार कर दिया था। ये देखने के बाद अगर हम बात करें जयदेव उनादकट भी सोच में पड़ गए थे, वो भी बहुत चक्का हो गए थे, लेकिन आखिरी जो डिसीजन होता है वो अंपायर का होता है। लेकिन गाइस इस पे इस तरीके से आउट करना जयदेव उनादकट को, क्या आपको लगता है कि क्या सचमुच जयदेव उनादकट के साथ चीटिंग हुई है? दोस्तों आपका क्या राय है, क्या इसे आउट देना चाहिए था या फिर डेड बॉल देना चाहिए था? दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आईपीएल के तमाम न्यूज जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।